फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शिक्षित तो कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी किसी की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और अगर प्रॉब्लम आ भी रही हो तो आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की ठीक है चलिए तो बच्चों जैसे कि आप सबको हमने शेड्यूल दिया था कि आपकी शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस होंगी पहले एक हफ्ते का शेड्यूल आप लोगों के पास अवेलेबल है आज है आपका ट्यूसडे साढ़े तीन बजे आपको आज गैप की वीडियो मिली छह बजे आपको इंग्लिश की वीडियो मिली और अब जो है आपको वीडियो मिल रही है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे और ये एमसीक्यू स्ट्रिक्टली बच्चों ई के एग्जाम के हिसाब से ही होंगे जो यूपीएससी पी करा रहा है देखो हर एग्जाम में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं तो क्वेश्चंस हम उस एग्जाम के हिसाब से ही बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन इम्पोर्ट करके सारे यहां पर डाल देंगे उनमें से भी हम लेंगे कंसेप्ट वहां से भी लेंगे क्योंकि यूपीएससी का कोर वहां पर है लेकिन हम ईपीएफओ के एग्जाम के हिसाब से ज्यादा चलेंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं अगर आप पिछले कुछ सालों का यूपीएससी का पेपर उठाकर देखो तो हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी साथ साथ हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको गैप की प्ले मिल जाएगी और यहां से आप गैप की प्ले देख लेना जो आज साढ़े बजे लेक्चर हुआ था और इंग्लिश की प्ले भी मिल जाएगी चलिए तो शुरू करते हैं आज मेनली जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो कंसनट्रेट रहेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 पर एक दो क्वेश्चन हम और भी अलग भी लेंगे लेकिन मेनली क्वेश्चन जो है वो कंसन्ट्रेट करेंगे आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 पर अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए ठीक है वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से क्वेश्चन को पढ़िए देखिए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और खुद से आंसर करने के बाद उसके बाद आगे प्ले करके सोल्यूशन देखिएगा और अपने आप को सही और गलत ठहराइएगा और अगर स्किप करें तो स्किप कर दीजिएगा हर सही जवाब के लिए अपने आपको पॉइंट एट थ्री मार्क्स दीजिएगा जो यूपीएससी ईपीएफओ में करेक्ट ऑप्शन के लिए रहता है हर गलत सवाल के लिए अपने आपको जीरो पॉइंट टू सेवन जो है नेगेटिव दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा ठीक है ये आपने जो है एक्टिविटी फॉलो करनी है उसके बाद आई विल लाइक कि जो भी ये वीडियो देखे वो कमेंट सेक्शन में अपना बताए कि उसने कितने क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट कितना किया ठीक है उसमें उसके कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीशन पर है दूसरों के मुकाबले और आप बेहतर तैयारी कर पाओगे किसी ने भी शाये नहीं होना कमेंट करते हुए कि मेरे तो सारे गलत हो गए या मेरे तो कुछ भी मार्क्स नहीं बने ऐसा नहीं करना है कंपीट करोगे तभी वहां पर यूपीएससी के एग्जाम में कंपीट कर पाओगे अभी से कंपीट करना शुरू करोगे तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है अब ठीक है

कि मतलब जो आउटलुक था जो रिबेल्स थे जो रिवोल्ट ऑफ़ 1857 के पार्टिसिपेंट्स थे उनकी आउटलुक को रिलीजियस आइडेंटिटी धर्म के आधार पर उनकी आउटलुक निर्भर नहीं हो रही थी तीसरी स्टेटमेंट कहता है सिविलियन पॉपुलेशन ने रिबेलियन को ज्वाइन नहीं किया अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है ठीक है यूपीएससी में करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू नॉट ट्रू

ओके आई होप सबने आंसर कर दिया होगा अब अगर आप इसका आंसर देखें सबसे पहला स्टेटमेंट कि एम्पर बहादुर शाह जो थे वो सबसे कमजोर कड़ी थे बिल्कुल सही क्योंकि बहादुर शाह जो थे वो काफी ओल्ड एज हो चुके थे और इतने ज्यादा स्ट्रांग रूलर वो जब जवान थे तब भी नहीं थे स्ट्रांग वैसे तो लेकिन अब तो काफी ज्यादा एज भी उनकी जो है हो चुकी थी तो सबसे कमजोर कड़ी उनको माना गया दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है जो आपके रिबेल्स थे उनकी आउटलुक रिलीजियस आइडेंटिटी पर नहीं डिपेंड करती थी दो रिलीजियस कंसर्न्स थे उनमें बहुत सारे पर उनका ओवरऑल आउटलुक वाज नॉट रिलीजियस

पीडीएफ मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना चलिए तो करेक्ट ऑप्शन ए रिवोल्ट जो था सिविलियन पॉपुलेशन किया था इसको पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अवध की जो प्रोविंस थी वहां पर क्योंकि जो ये लोकल पॉपुलेशन थे इनके ग्रीवियंसिस बहुत ज्यादा जो है एक साथ एक्यूमलेट होते गए थे विद इन टाइम उसमें वेरियस रीजन्स थे सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी उनकी और जो भी सब प्रॉब्लम्स थी और अल्टीमेटली उनकी इन प्रॉब्लम्स का जो वेंट मिला उनको वो इस रिवोल्ट के थ्रू मिला अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा जो रिलीजन था वो एक फैक्टर था क्योंकि वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्ट की बात करते हैं तो एक कॉज था सोशो रिलीजियस ठीक है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे थे चाहे वो सती को एबॉलिश कर देना हो चाहे वो विडो रिमेरिज की बात हो ठीक है या फिर जो भी लॉस थे जो रिलीजन को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे थे तो इसी वजह से रिलीजन एक फैक्टर था लेकिन जो रिबेल्स थे उनका ओवरऑल आउटलुक रिलीजियस नहीं था उनकी आइडेंटिटी रिलीजियस नहीं थी उनके लिए एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन ब्रिटिश वो उसको हटाना चाहते थे कोई पर्टिकुलर रिलीजन उनका एनिमी नहीं था इसी वजह से अगर आप देखो जब रिवोल्ट शुरू हुआ तब नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडरशिप के तौर पर मुगल एम्पर बहादुर शाह को चुना गया अब बहादुर शाह देखा जाए तो एक मुस्लिम रूलर थे ठीक है तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि रिलीजियस आउटलुक नहीं थी तीसरी बात जो हमने एक पॉइंट हमारा था कि मुगल एम्पर जो थे वो काफी कमजोर थे। मुगल बादशाह काफी कमजोर थे बहादुर शाह काफी कमजोर थे और वो सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर थे मुगल लोगे मुगलों की असली जो लीडरशिप थी वो थी आपके जनरल बखत खान के हाथ में ठीक है जनरल बखत खान जो थे ये हेड थे एक कोर्ट ऑफ सोल्जर्स के जो उस समय मुगल बादशाह के कोर्ट में हुआ करता था अब ये जो कोर्ट ऑफ सोल्जर्स थे इसमें कुछ दस लोग हुआ करते थे ये जो पॉइंट है आपको किताबों में ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा सवाल पूछा जा सकता है इसके ऊपर डायरेक्टली और आजकल यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछ रहा है जो इजीली आपको किताबों में नहीं मिलेंगे ठीक है तो कोर्ट में उस कोर्ट में जिसके हेड बखत खान थे इसमें टोटल दस मेंबर हुआ करते थे छ मेंबर आर्मी से होते थे और चार मेंबर जो थे वो सिविल डिपार्टमेंट से हुआ करते थे ठीक है है और ये ही सारा जो है स्टेट का जो भी अफेयर होता था उसको कंडक्ट करते थे जो भी मुगल स्टेट का कंडक्ट होता था सारा यही कोर्ट कंडक्ट किया करता था एम्पर तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल और सिंबॉलिक हेड थे ऑल क्योंकि काफी वीक पर्सनैलिटी थी उनकी एज ओल्ड थी और लीडरशिप क्वालिटीज भी उनमें नहीं थी चलिए आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द फॉलोइंग पेयर्स ये तो मतलब बहुत ओल्ड ट्रेडिशन क्वेश्चन है लेकिन जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं तो हमें ओल्ड ट्रेडिशन क्वेश्चन भी देखना चाहिए पूछा तो जा सकता है वही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लीडर और कहां पर वो उसकी लीडरशिप थी ठीक है

देखो इसमें जितनी जगहें दी हैं और जितने लीडर दिए हैं सारे ठीक हैं ठीक है लेकिन एक ऐसा पेयर है जो उल्टा मैच किया हुआ है कानपुर में नाना साहेब थे बिल्कुल सही बात है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह थे बिल्कुल सही बात है मतलब टू और फोर तो बिल्कुल सही है तो जिन ऑप्शन में टू और फोर है उसको एलिमिनेट कर दो देखो अगर अब आपको टू और फोर के बारे में भी पता था तब भी आप इसका आंसर अपने आप कर सकते हो ठीक है अगर आपको टू के बारे में पता था कि भैया टू बिल्कुल करेक्टली मैचड है तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ए और डी और अगर आपको फोर का भी पता होगा तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बी अल्टीमेटली आपके पास ए की ऑप्शन बचता है सी दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जो ये पॉइंट्स uh, वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सारे पॉइंट्स आपको पता हो तो एलिमिनेट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आंसर रहेगा सी एक बार सोल्यूशन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं चलिए तो लीडर जो थे रिवोल्ट के 1857 के समय में बेगर आ, बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने लखनऊ में अपनी कमान संभाली थी ठीक है पर जो है पर जो जून चार 1857 सेवन को ब्रोकआउट हुआ अब कोई अगर रीजनल तो तो क्योंकि पीसीएस वाले पूछ लेते हैं इस तरह के एग्जाम कि लखनऊ में रिवोल्ट कब ब्रोकआउट हुआ कब रिबेलियन शुरू हुआ 1857 में. तो आपके लिए जरूरी है ये ठीक है अगर आप वगैरह जैसे एग्जाम्स दे रहे हो तो वहां पे इसे पढ़ लेना और जो बेगम हजरत महल थी ये अवध के नवाब की साहिबा थी और अवध के नवाब को निकाल दिया था ब्रिटिशर्स ने रीजन ऑफ मिसरूल ठीक है मिस नवाब को हटा दिया था उन्होंने अवध से इसीलिए वहां की प्रजा भी बहुत क्रोधित थी उसके बाद कानपुर में आपके नाना साहेब थे नाना साहेब जो थे ये एक एडोप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के यहाँ पर डॉक्टराइन ऑफ लैप जो था वो रीजन बना ठीक है लॉर्ड डलौजी लेकर आए थे ऑफ उनका यह कहना था जो भी होंगे उनको अब कोई भी जो है हम पेंशन वगैरह नहीं देंगे तो नाना साहेब को जो पेंशन मिलती थी पेशवा को अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों ने वो पेंशन मना कर दी तो अल्टीमेटली नाना साहेब भी जो है इस रिवोल्ट में कूद पड़े और उन्होंने अपनी लीडरशिप कमान संभाली कानपुर में ठीक है और इन्होंने भी बहादुर शाह जो मराठाओं के बहुत ज्यादा दुश्मन हुआ करते थे मुगल अब नाना साहिब ने भी बहादुर शाह को अपना एम्पर ऑफ इंडिया एक्नोलॉजी यहां पर किया उसके बाद बरेली में अगर आप देखो तो खान बहादुर थे ये रोहिला खंड के जो फॉर्मर रूलर थे उनके साहबजादे थे उसके बाद मोहम्मद मौलवी अहमद ये फैजाबाद में थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फैक्चुअल है याद कर लेना इसको और यूपीपीसीएस जो दे रहा है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है इसको अच्छे से कर लेना और कानपुर वाला भी चलिए बरेली वाला भी आ जाएगा सारी फैजाबाद वाला भी आ जाएगा सारे यूपी के सेंटर्स हैं तो आप याद कर सकते हो चलिए थर्ड क्वेश्चन ये होता है बहुत ही बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये ठीक है बहुत बड़ा बड़ा तो चलो नहीं है मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पिछले कुछ समय में काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऐसे अजीब से फैक्ट्री जो आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन क्या है स्टेट द सेक्टर्स वेर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन इंडिया नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 बट सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड तो मैं आपको जब भी क्वेश्चंस कराऊंगा चाहे वो हिस्ट्री के हो चाहे वो पॉलिटी के हो चाहे वो इकोनॉमी के हो मैं इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको बीच बीच में जरूर दूंगा क्योंकि तो पिछले कुछ समय में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इन फैक्चुअल क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत ज्यादा तंग किया है ठीक है और पढ़ने वाले बच्चों को तंग किया है तो ऑप्शन है ए टी कॉफी इंडिगो बी रेलवे बैंकिंग इंश्योरेंस एंड शिपिंग सी टेक्सटाइल डी जूट मिल्स इस तरह के क्वेश्चन आपने तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है यू हैव टू आंसर देम ओनली वेन यू नो इट ठीक है जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी इसको आंसर कीजिएगा नहीं तो आपको ये भारी पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग में ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको ले जाते हैं ठीक है चलिए तो आंसर क्या होगा यहां पर यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेलवे बैंकिंग इंश्योरेंस और शिपिंग ये वो सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा ब्रिटिश कैपिटल जो है वो इन्वेस्टेड थी बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट चलिए क्वेश्चन नंबर फोर अगेन ये क्वेश्चन जो है ये मैंने उत्तराखंड के पीसीएस से उठाया अगेन समवन विल से कि सर यूपीएससी ईपीएफओ में नहीं आएगा यूपीएससी वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो देखो भैया नहीं पूछेंगे तो वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा तो कुछ पिछले कुछ समय का एक्सपीरियंस ये रहा है कि यूपीएससी भी अब कुछ भी पूछ सकता है तो अगर इन चीजों के लिए आप थोड़ा थोड़ा बीच में खुद को तैयार कर लो तो एज मिल जाएगा आपको तो जेम्स एंड्रयू रेमसे किस गवर्नर जनरल का रियल नेम था ठीक है लॉर्ड डलहौजी का लॉर्ड कैनिंग का लॉर्ड नॉर्थ का या लॉर्ड कर्जन का बताइए आंसर करने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जरूर अगर आप लोगों को इन इस तरह के क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी हम डिस्कशन कर लेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलह का जो पूरा नाम था जो ओरिजिनल नेम था उनका वो था आपका लॉर्ड जेम्स एंड्रयू रैम से गॉट एट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे

सावरकर ने इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है जरूर इसको आप सर्कल कर लीजिएगा देखिए अब पहले भी हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट आया था कि क्या रिलीजियस आउटलुक था उनका हमने कहा नहीं रिलीजियस आउटलुक नहीं था तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि यूनिटी जो थी वो तो थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स में देखिए बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम्स में जो मेनली डिविजन ब्रिटिशर्स ने एक पॉज करनी शुरू की वो आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 ही था क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल हेल्प किया तो इन्होंने मुस्लिम्स की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल काम नहीं किया बाइनटीन हंड्रेड जब तक ये पहुंचे तो तब जाकर इन्होंने अपना डिवाइड एंड रूल का कार्ड निकाला तब इन्होंने मुस्लिम्स को ये प्रोजेक्ट किया कि बिकॉज हिंदू नहीं चाहते थे कि तुम्हारी डेवलपमेंट हो और क्योंकि वो मेजोरिटी में है इसीलिए हमने तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया ठीक है लेकिन 1857 से पहले हिंदूज एंड मुस्लिम्स में इतने ज्यादा मुस्लिम नहीं थे तो यूनिटी वॉज अ फीचर तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है पीछे भी हमने करा तो करेक्ट पूछा गया है, तो थ्री ओनली तो कट जाएगा ठीक है उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या करिए रिवोल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है ये स्टेटमेंट आपके लिए हलवा स्टेटमेंट है ठीक है इसको क्या कहूंगा हलवा वो भी गाजर वाला ठीक है तो ये आप गलत नहीं कर सकते थ्री भी बिल्कुल सही है ठीक है तो थ्री भी बिल्कुल सही है अब जिसमें वन और थ्री दोनों नहीं है उसको भी काट दीजिए अब आपका ऑप्शन बचता है वन टू थ्री और वन एंड थ्री ओनली अब सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका सही है द रिबेल्स रिप्रेजेंटेड डाइवर्स एलिमेंट्स ठीक है डाइवर्स थे अलग अलग लोग थे अलग अलग जगहों के लोग थे उनके ग्रीवेंसिस भी अलग थे किसी को सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम थी किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी अलग अलग प्रॉब्लम थी ठीक है सबके सब ब्रिटिशर्स सब की पॉलिसी से दुखी थे तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है तो आंसर यहां पर हो जाएगा वन टू एंड थ्री एक बार थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं चलिए तो आंसर क्या हो गया बी वन टू एंड थ्री तो कंप्लीट कॉपरेशन था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में जैसे कि मैंने बताया कि हिंदू जो थे उन्होंने भी एक मुस्लिम को बहादुर शाह जफर को अपना एम्प्रायर डिक्लेयर किया अगर कुछ ऐसी बात होती तो वो अपने डिक्लेयर ही ना करते ठीक है मुगल बादशाह को अपना जो है राजा डिक्लेयर ही ना करते उसके बाद देखो म्यूटेनियर्स जो थे इनके पास कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं कलोनियल रूल की कि क्या, किस तरह से इनका शोषण हो रहा है ना इनके पास कोई खास फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम था ना कोई आइडियोलॉजी थी कि भैया देश इस तरह का बनाएंगे अगर अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए कोई पॉलिटिकल परस्पेक्टिव नहीं था इनके अंदर बस एक चीज कॉमन थी कि ये सारे के सारे करंट पॉलिसीज से दुखी थे और किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी वजह से अंग्रेजों की पॉलिसीज से खुश थे और जो लास्ट पॉइंट था आपका वीडी सावरकर ने अपनी एक बुक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसमें इन्होंने इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इससे पहले क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे कॉल्ड इट जस्ट अ म्यूटिनी ठीक है उनका यह कहना था कि ये रिवोल्ट जो था ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाई म्यूटी नहीं था इसमें कोई भी नेशनलिज्म वाली बात नहीं थी कोई भी आजादी वाली चीज नहीं थी जो ग्रीवियंसिस थे सोल्जर्स के उसकी वजह से ये एक म्यूटी नहीं हो गई लेकिन वी डी सावरकर ने इसको जो है आ, कहा कि नहीं ऐसा नहीं था ये एक आजाद भारत की पहली लड़ाई थी भारत की आजादी के लिए पहली लड़ाई थी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन अगेन रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ एटीन आपसे पूछा गया है क्लियर विजन ऑफ क्रिएटिंग अ रिपब्लिकन स्टेट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ एटीन सेवन पिछले क्वेश्चन में आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म ओके बताइए इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है चलिए जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा इनकरेक्ट पूछा गया ये आपने सर्कल जरूर करना है इसको सर्कल करे बिना मत हटना ताकि कंफ्यूजन ना हो चलिए तो पीछे हमने देखा कि इनकी कोई आ, सेट रूल्स तो थे नहीं इन्होंने कोई ऐसा कुछ आ, जो है कोई विजन नहीं था कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कोई प्लान नहीं था कि फ्रीडम के बाद क्या करेंगे तो इसीलिए कोई रिपब्लिकन स्टेट बनाने का तो आइडिया था ही नहीं अगर रिपब्लिकन स्टेट बनाने का आइडिया होता तो कब कभी भी जो बादशाह थे उनके अंडर उनकी एक्सेप्ट ना करते दूसरी चीज मॉडर्न नेशनलिज्म वाली ये भी आपकी इनकरेक्ट है आइडियाज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म नहीं थे तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं चलिए तो सबसे पहली लिमिटेशन जो थी रिवोल्ट की अगर आप देखो लोकलाइज्ड था पूरे इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ पुअरली ऑर्गेनाइज था कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी उस समय में जिसकी वजह से जो सिपॉयज थे वो जो अलग अलग कैंटोनमेंट्स में अलग अलग छावनियों में फैले हुए थे वो एक साथ एक्ट नहीं कर पाए एक ही दिन के ऊपर हमला नहीं कर पाए ठीक है और रिवोल्ट वाइडर रीजन्स में तो स्प्रेड ही नहीं हुआ साउथ इंडिया तो कंप्लीटली अनटच भी था इस रिवोल्ट से मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जो थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया ठीक है क्योंकि जो रिबेल्स थे उनके सुपरस्टिशियस आइडियाज जो थे उनकी वजह से कि ये तो सुपरस्टिशन लेकर आ जाएंगे फिर से हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव सोशल मेजर्स नहीं ले रहे थे वो लोग जो रिबेलियंस थे ठीक है उसके बाद अगर आप देखो रिबेल्स के पास ना मॉडर्न वेपन्स थे ना कोई वॉर का मटेरियल था ठीक है ज्यादातर अगर आप देखें तो बहुत पुराने अब अंग्रेजों के पास थी बंदूकें तोपे और हमारे हिंदुस्तानी कैसे लड़ रहे थे स्वॉर्ड से पाइक्स से ठीक है पुअरली ऑर्गेनाइज थे जैसे कि हमने पहले भी बताया अब देखो ब्रेव तो थे और सेल्फलेस भी थे पर इल डिसिप्लिनड थे ठीक है जैसे कि कई बार ये दंगाई करने वाले जो लोग होते हैं उस तरह से एक्ट करते थे नॉट लाइक अ ट्रेंड आर्मी ये सब जो थी प्रॉब्लम्स थी इस रिवोल्ट की रिवोल्ट ऑफ 1857 की लिमिटेशंस थी जो उसके अलावा अगर आप देखो कोई कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था कोई अथॉरिटेटिव हेड नहीं था देखो आपके मुगल बादशाह को हेड तो बना दिया नॉमिनल हेड तो बना दिया लेकिन ऐसा नहीं था कि अथॉरिटेटिव हेड था था लीडरशिप नहीं नहीं थी सब अपने 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 रीजन में अपने लीडर थे ऐसा नहीं था कि बादशाह की तरफ से सारे ऑर्डर जा रहे हैं और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है अनकोऑर्डिनेटेड था डिफरेंट पार्ट में अपराइजिंग कभी हो रही है किसी रीजन में कभी कुछ हो रहा है किसी रीजन में कभी कुछ हो रहा है ठीक है और जैसे कि हमने एक पॉइंट देखा कि सबकी ग्रीवियंसिज अलग अलग थी कॉमन फीलिंग ऑफ हेटर्ट नहीं थी किसी का कोई कारण था अंग्रेजों से नफरत करने का तो किसी का कोई कारण था ठीक है और उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि अगर वो अंग्रेजों को बाहर निकाल भी देंगे तो वो किस तरह से पावर क्रिएट करेंगे अंग्रेजों की जगह कौन रूल करेगा और मॉडर्न नेशनलिज्म तो अभी तक हिंदुस्तान में था ही नहीं पेट्रियोटिज्म का मतलब उस समय में क्या था रिवॉल्ट के समय में अपनी स्मॉल लोकलिटी के लिए प्यार अपने रीजन के लिए प्यार जैसे अवध के जो सोल्जर्स थे वो अवध के लिए लड़ रहे थे वो हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे ठीक है ऑल इंडिया इंटरेस्ट नहीं था देशभक्ति की कॉन्शियसनेस नहीं थी ये भी एक लिमिटेशन थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन द फर्स्ट अफगान वॉर एंड क्रिमियन वॉर्स वर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ओके सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है रिवोल्ट वाज वेल ऑर्गेनाइज अंडर द सेंट्रल लीडरशिप ओके देखो क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन है उनमें कई स्टेटमेंट्स का आंसर ऑलरेडी छुपा हुआ है

इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के रिवोल्ट के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो ऑप्शन सही हो जाएगा वन ओनली देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चलिए ओके कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉजेज वेरियस कॉजेज थे कुछ इकोनॉमिक कॉजे थे रिवोल्ट के जैसे टैक्सेशन हैवी टैक्सेशन थी रेवेन्यू सेटलमेंट पे अलग अलग सिस्टम्स ये लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट रियोतवारी ठीक है समरी एविक्शन जो थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी ठीक है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेज लगाए जा रहे थे और जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट आ रहे थे उनके ऊपर टैक्सेज नहीं लगाए जा रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही थी उस उन मॉडर्न लाइंस पे जो प्रेजेंट्स को हिट कर रही थी आर्टिस्ट को हिट कर रही थी स्मॉल जमीनदार्स को हिट कर रही थी क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही थी ठीक है ये थे इकोनॉमिक कॉजेस उसके बाद कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे एग्राइजमेंट की जो ग्रीडी पॉलिसी थी सॉवरेन करेक्टर जो था ब्रिटिश पॉलिसी का एबसेंस ऑफ सॉवरन करेक्टर ब्रिटिश रूल का ठीक है ब्रिटिश इंटरफेयर जो सोशल रिलीजियस अफेयर्स में थी ये वन ऑफ द मेजर रीजन था उसके बाद कुछ मिलिट्री कॉजेस थे डिसकंटेंट था में, अब कुछ उसमें डिसकंटेंट ऐसा था जैसे कि उनको जो ट्रैवलिंग बत्ता होता था वो देना बंद कर दिया था कि अगर आप अपनी स्टेट से बाहर अपने रीजन से बाहर सर्व करने के लिए जा रहे हो तो एक जो है अलाउंस मिलता था सोल्जर्स को वो इन्होंने बंद कर दिया था वर आस्ट टू क्रॉस द सी And which was considered to be ऐसा कहा जाता था कि अगर आपने सी में कोई सोल्जर चला गया हाई कास्ट तो वो इम्प्योर हो जाएगा आउट ऑफ कास्ट हो जाएगा लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर आप आर्मी में सर्व कर रहे हो तो आपको ये भी करना पड़ेगा ठीक है एंड बिकॉज दे वर पेजेंट्स सोल्जर्स क्या थे सोल्जर्स भी पेजेंट्स थे किसान थे अब किसानों का दुख देखेंगे तो उनको भी वो भी दुखी होंगे ऐसे तो बहुत सारे रीजन थे जो डिसकंटेंट कॉज कर रहे थे सिपॉइस के अंदर ठीक है साइकोलॉजिकल रीजन थे रिलीजियस रीजन थे जैसे कि ये सी वाला रीजन हो गया कपल हिस्ट्री ऑफ ऑन वेयरिंग कास्ट कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स मार्क्स ठीक है जैसे आपके जो caste marks होते हैं दाढ़ी रखना नहीं है ठीक है इस तरह की चीजें हो गई सीक्रेट रूमर्स ऑफ प्रोस्टलाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ चैप्लिन कि भाई ये हमारा धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इन सबको अपने रिलीजन के अगेंस्ट समझा इन्होंने उसके बाद कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक तरह से साइकोलॉजिकल रोल प्ले किया जैसे कि आपका फर्स्ट अफगान वॉर था जो 1838-42 तक लड़ा गया और फिर वॉर था इन वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने बहुत हेवीली जो है आ, सफर किया जिसकी वजह से जो एक मिथ चल रहा था पिछले कुछ सौ सालों से कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर इनफॉलेबल इनको डिफीट नहीं किया जा सकता ये मिथ टूट गया और पहली बार लोगों ने और सोल्जर्स महसूस किया कि दिस ब्रिटिशर्स कुड ऑल्सो बी डिफिटेड वट इट चलिए बस अगर आपको यहां पर टाइमलाइन याद होनी चाहिए थी अगर आपको टाइमलाइन याद होती तो आप ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कर देते ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट क्वेश्चन अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच वॉइस रॉय इज रिगार्डेड एज द कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इस तरह के क्वेश्चन ना बच्चों प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है उसमें बहुत आते हैं ठीक है तो आप लोगों को अब ऐसे स्पेशली मैगजीन लगवाने की जरूरत नहीं है मैं बैठा हूं आपके लिए मैं आपको ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो किस वॉय को कैटलिस्ट ऑफ इंडियन कहा जाता है मिंटो लिटन कर्जन इरविन देखो इन सब ने कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके टाइम पर हुई है रिएक्शनरी एक्शन इन्होंने कुछ ना कुछ सबने लिए हैं तो इसी वजह से ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है तुक्का नहीं लगाना एग्जैक्ट अगर आंसर पता है तभी लगाना है वहां पर आइंस्टाइन बन जो है अपनी थ्योरीज नहीं निकालने की ये इसीलिए हो सकता है ये इसीलिए हो जाएगा नहीं खेलना ये वाला गेम देवदास वाला चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी लॉर्ड यहाँ पर ये यह आंसर गलत गिवन है बच्चों ऑप्शन सी होगा इसका आंसर ठीक है ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कर्जन जो है इनको कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है ठीक है लॉर्ड कर्जन को कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है क्योंकि इनके समय पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था स्वदेशी मूवमेंट वगैरह लॉन्च हुआ था तो इसी वजह से इट इज कंसीडर्ड एज द मेजर स्टेप टूवर्ड्स कैटेलाइजिंग इंडियन नेशनलिज्म चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन टोटल टेन क्वेश्चन देखेंगे अगेन अ वेरी फैक्ल क्वेश्चन क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन फर्स्ट नवंबर 1858 वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के एग्जाम में आ जाते हैं आप लोगों का संडे प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो बच्चा अपने संडे को इस दिन स्पेशल पेपर देने आया है उसको बहुत ज्यादा बुरा ना लगे तो वो संडे बचाने के लिए आपका होता है ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे आंसर आप सबको पता है ऑप्शन ए अलाहाबाद अलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है लॉर्ड कैनिंग ने रीड आउट किया था क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन अलाहाबाद में कौन से गवर्नर जनरल ने रीड किया एटीन में या वायसराय ने ओके चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप जल्दी से फाउंडेड द परमहंसा मंडली इन 1840 अब देखो यहाँ पर ये सोशल रिफॉर्म वाला एक क्वेश्चन है ठीक है ई के सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है सोशल रिफॉर्म लेकिन फिर भी हम करेंगे थीके? क्योंकि पेपर में पूछे जाने के हाई चांसेस हैं चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर महादेव गोविंद रानाडे गणेश वासुदेव जोशी दाद, दादोबा पांडुरंगा तरखेदार बताइए आंसर इसका कीजिएगा कि, चलिए तो आंसर देख लें इसका आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था बच्चों दादोबा पांडुरंगा तारखेदार ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं परमहंसा मंडली के बारे में और भी पॉइंट्स तो एक सीक्रेट सोशो रिलीजियस ग्रुप था 1849 में बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब लोग याद करते जा जाना और ये एक इससे पहले सभा होती थी मानव धर्म सभा जो 1844 में सूरत में बनी थी उससे रिलेटेड थी उससे काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थी इसके फाउंडर थे आपके मेहताजी दुर्गा राम और दादोबा पांडुरंग ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फाउंडर जो थे ये बिलीव करते थे इन वन गॉड रिलीजियस हारमोनी में बिलीव करते थे और कास्ट के अगेंस्ट थे कास्ट रूल्स को ब्रेक करना चाहते थे ठीक है उसके बाद कास्ट uh, रूल्स को ब्रेक करने के लिए ये लोअर कास्ट पीपल के द्वारा कुक किया हुआ फूड जो है वो खाते थे और अपने ग्रुप के लोगों को खिलाते थे ठीक है और ये एडवांस्ड लोग थे काफी और वुमेन एजुकेशन और विडियो रीमैरिज को भी एडवोकेट करते थे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ठीक है परमाह मंडली से रिलेटेड तो इसको आप लोग ने सबने याद कर लेना पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद चलिए बच्चों तो ये थे आज के आपके दस क्वेश्चन ठीक है ट्यूसडे अब कल है आपका वेडनसडे वेडनसडे में होगी आपकी सोशल सिक्योरिटी की क्लास मंडे वाली क्लास में हमने किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का पार्ट वन कल वाली क्लास में होगा आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का पार्ट टू तो वो भी जरूर देखिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें बहुत जरूरी है बेल आइकन दबा लेना और सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो है चले जाइएगा कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा दो घंटे के अंदर अंदर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो धन्यवाद मिलते हैं कल